दोस्तों आज हम सोल लैंड एपिसोड 232 की ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो हमें जेलिंग पास दिखाई जाता है। यहाँ पर हुलिना अपनी भाई के साथ मार्शल सोल एम्पायर के आर्मी को लीड कर रही थी और इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हुहन एम्पायर के दो पावरफुल सोल मास्टर अपनी आर्मी के साथ उनकी साथ खड़े थे। हुलिना को लीड करता देख कर टैंक्शन कहता है, यह हुलिना सच में मार्शल सोल एम्पायर के गोल्डन जनरेशन की पहली सोल मास्टर बनने की हकदार है। शायद टैंक्शन हुलिना के तारीफ इसलिए कर रहा था क्योंकि हुलिना बहुत ही सही तरीके से मार्शल सोल एम्पायर की आर्मी को लीड कर रही थी। इसके बाद जब तियांडो एम्पायर के आर्मी जेलिंग पास को कब्जा करने के लिए आगे बढ़ती है तो हुलिना मार्शल सोल एम्पायर के आर्मी को तीरों को छोड़ने का आदेश दे देती है। ये ऑर्डर मिलते ही मार्शल सोल एम्पायर के हजारों सोल्जर दुश्मन की टीम पर तीरों को बरसाने लगते हैं। यह देखकर टैंक्शन अपनी सी गॉड ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है और उसको बहुत भयानक तरीके से एनिमे टीम पर छोड़ देता है, जिससे जेलिंग पास के बड़ी बड़ी गेट टूटने लगती है। यह देखकर तियांडो एम्पायर के आर्मी जेलिंग पास के अंदर घुसने लगती है। यह देखकर हुहन एम्पायर के सोल मास्टर तियांडो आर्मी पर अपने स्किल से अटैक करने लगते हैं। यह देखते ही तियांडो एम्पायर के सोल्जर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन पावरफुल सोल स्किल धमाके के कारण तियांडो आर्मी के सोल्जर्स ब्रिज से नीचे गिरने लगते हैं। इसके बाद जब तियांडो आर्मी के सोल्जर्स एक अंदरूनी हिस्से पर पहुंच जाते हैं तो वे बड़े बड़े सीडीओ का सहारा लेकर जेलिंग पास के दीवारों पर चढ़ने लगते हैं। दुश्मन टीम को ऊपर चढ़ता देखकर मार्शल सोल एम्पायर की सोल्जर्स उन सीडीओ को धक्का मार के गिराने लगते हैं और इस चक्कर में खुद भी गिर जाते हैं। ऐसा होते हुए देखकर एक एल्डर बिबडोंग से कहता है, क्या वो मार्शल सोल एम्पायर के आम लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रही है या फिर अपनी खुद की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन्होंने मेनलैंड के पावरफुल सोल मास्टर को इकट्ठा किया है। यह बात सुनते ही बिबडोंग गुस्सा हो जाती है और उस पसंद को डांटते हुए कहती है, अपना मुंह बंद रखो, शाश्वत शांति पाने के लिए आप सबको यह कीमत चुकानी होगी। जब दो पावरफुल एम्पायर के सोल्जर्स मारते हैं तो उन मरे हुए सोल्जर के बदौलती शांति की रूम पर तहत होती है, इसलिए मरे हुए सोल्जर के सुख नहीं अभी तो सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसा कहकर बिबडोंग अपना जनरल का मुंह बंद कर देती है। इसके बाद हमें ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बाद में टैंक्शन के साथ जेलिंग पास के ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर बिबडोंग बस ग्रैंड मास्टर को ही निहारते रहती है और यहीं पर हमारी ट्रेलर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करो।